हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, वेलकम वंस अगेन एसडीएसवीएम ऑनलाइन क्लास बैठा है। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। आज हम लोग अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अदर मोड का मतलब हो गया दूसरे तरीके से पौधे कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे अपने पोषण को पूरा करते हैं। तो कुछ इसमें पौधों के बारे में बताया गया है। तो यू नो वेरी वेल दैट प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉप्स, बट इन हिज ऑटोट्रॉप्स दे हैव ऑल्सो नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स फॉर देयर सस्टेनिंग देयर लाइफ। अपने जीवन को जीने के लिए उसको तरह तरह के मिनरल की भी आवश्यकता होती है। जैसे नाइट्रोजनस चीज़ है, तो नाइट्रोजनस चीज वो प्रोटीन के रूप में यूज़ करते हैं। प्रोटीन उनके बॉडी को रिपेयर करने का वर्क करता है। जिस तरह से हम लोग दाल वगैरह खाते हैं, उसी तरह से उन लोगों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो कुछ पौधों के बारे में बताया गया है। तो कुछ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पौधे आते हैं, तो उनके बारे में है। जैसे सेट्रोट्रॉप्स, मृतोपजीवी, इसको हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी, अर्थात मरे हुए चीज़ों के ऊपर में जो पौधे उग जाते हैं, जिनसे अपना पोषण करते हैं, उसको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या है? द प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मरे हुए चीज़ों से सड़ गल करके जो चीज़ें सड़ गल जाती हैं और उनसे जो अपना पोषण करते हैं, उस प्रकार के पौधों को हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऐसे में तुम लोगों ने प्रायः देखा होगा कि सेप्रोफाइट्स में जब चीज़ें सड़ती गलती हैं, जैसे लकड़ी मान लो सड़ गल गई या कोई जीव मरा सड़ गल गया, तो उसके अंदर से शरीर के अंदर से मटेरियल निकलता है, जिसको जूसी मटेरियल्स बोल सकते हैं। तो ऐसे में कुछ पौधे होते हैं, जैसे मशरूम हो गया। तो मशरूम हमारा जो है क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एक भाग है। उसी तरह से फंगस हो गया, फिर मोल्ड हो गया, जिसे तुम लोग देखते होंगे जैसे बरसात के दिनों में जूता में पानी लग जाता है, तो उसके बाद से वो सड़ने लगता है, उसमें फफूंद लग जाते हैं, तो सब सेप्रोफाइट्स में आते हैं। दूसरा है स्टूडेंट इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस माने होता है कीट भक्षी, कीट को खाने वाले। तो ऐसे ग्रीन प्लांट्स, हरे प्लांट जो मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं इंसेक्ट पर। क्यों? क्योंकि उनसे वो नाइट्रोजन बिल्कुल चाहिए। नाइट्रोजन किस लिए चाहिए? क्योंकि इसके नाइट्रोजन से वो अपने शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको बढ़ाते हैं। और प्रोटीन का वर्क क्या होता है? कि प्रोटीन का काम होता है बॉडी सेल को रिपेयर करना, तो पौधों के लिए भी जरूरी है। तो इंसेक्टिवोरस में ये आ गया, जैसे फ्लाई कैचर हो गया, पीचर प्लांट हो गए, ये सब इसके एग्जांपल होंगे। वीडियो रुक रुक करके लिखेंगे एग्जांपल, इसमें दी लिखे नहीं। उसके बाद से आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स माने होता है परजीवी, अर्थात दूसरे के ऊपर में रह करके अपना जीवन यापन करने वाला परजीवी। तो पैरासाइट्स का बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या, कि द प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स कॉल्ड पैरासाइट्स। तो कुछ पौधे होते हैं वो पार्सली पैरासाइट्स होते हैं। पार्सली जैसे हो गए आंशिक रूप से, तो उसमें एग्जांपल आ जाता है मिस्टोली का। वीडियो को रोक रोक करके लिखेंगे एग्जांपल आप लोग। और उसके बाद से एक आता है टोटली पैरासाइटिक। टोटली मतलब होता है पूर्णतः रूप से उसके ऊपर निर्भर करता है दूसरे ओर से। तो दूसरे के ऊपर निर्भर कौन करेगा? तो ये अमरबेल हो गया, कुसकुटा हो गया, ये सब टोटली पैरासाइटिक होते हैं। चौथा बात है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीवी। सहजीवी माने परस्पर साथ जीने वाले। तो ऐसे पौधे जो एक साथ जीते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ पर दिया भी है रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट टू ईच अदर। तो दोनों ऑर्गेनिज्म को ये लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में उनको हम लोग सिम्बियोसिस बोलते हैं, सहजीवी। हाँ, तो सहजीवी इन दोनों में बोलते हैं, साथ साथ परस्पर जीने वाले। लेकिन बात ये आती है कि सिम्बियोसिस में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे फंगस भी सिम्बियोसिस का ही एग्जाम्पल है। तो सिम्बियोसिस अलग, ये स्टूडेंट
अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, अर्थात पौधे बहुत हाई लेवल पर अपना रोल प्ले करते हैं मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट बात होगी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के विषय में। इस वीडियो को पढ़ो रुक करके, और जहाँ डाउट हो वहाँ पर कमेंट्स में जा करके क्वेश्चन पूछा जाए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।